बाहर चले आ जा, तेरा यार आ रहा है। उठ के उठ, उठ के उठ यार, लुगाइया क्यों आग रहा है मारा डब्बी को, ओ फ्रेंड को, हस्बैंड को। भाई कुंदन मले, आइयो भाई, आइयो राजा के। भाई तू भी मेरे यारी बननी गेल पड़ा रहा सारी आना। अच्छा अच्छा, और भाई किसकी गेल पड़ा भाई? भाई मेरी बात सुन, घर तो इस्तेमाल सारा ना ना ना, लोग आइया गेल, इतना झगड़ा अच्छा नहीं होता, तू नो कर। तलवार उठाई ले है और घोड़ा मैं ले रहा हूँ। अच्छा, मेरे भाई शिकार खेल खावांगे। शिकार खेलन चला है भाई? क्या क्या शिकार भाई? शेर का कराएंगे शिकार। शेर का शिकार? अरे दुकान में कर ले, शेर का कर ले, दो शेर का कर ले, तीन शेर का कर ले, पांच शेर के बैठेंगे बैठेंगे रखे से दुकान में। प्रामी बुजुर्गा, फूल संग अपने साथी कुंदन मल को लेकर के शिकार को चले जाते हैं। अब कुंदन मल की सेठ की सेठानी, मतलब कुंदन मल सेठ की सेठानी फूल संग की भाभी के पास आती है और उसको आन करके कहती है कि देवर जवान हो गया फूल संग, कुछ इसका भी ख्याल है आपको? सुनिए। रानी साहब प्रणाम। प्रणाम सेठानी, प्रणाम। ओहो कुंदन मल की सेठानी, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए, कैसे आना हुआ? रानी साहब मैं आ तो गई, जय मेरी आई की रखोगी तो? रखेंगे क्यों नहीं, बिल्कुल रखेंगे। आप बताओ तो सही क्या बात है? रानी साहब आपको पता होना चाहिए कि आपका देवर फूल सिंह जवान हो गया है, आपको उसकी चिंता होनी चाहिए। सेठानी मैं कुछ समझ नहीं पाई। लो रानी साहब मेरी बात सुनो। लक्ष्मी रूप वीर कहो से घर भरवाना चाहिए, याहे कसर से फूल संग का जा करवाना चाहिए। छोटी सब में जाने राखनी चाहिए, देवर जेठ पिता सरे सुसरे की जाने राखनी चाहिए, पति सेवा पर जा पालन की बाण राखनी चाहिए, तेरा देवर जवाने गोट कन्यारा, देवर जवाने गोट कन्यारा ना मरवाना चाहिए, या है कसर से फूल सिंह का ब्याह करवाना चाहिए।
सुनकने ब्यावन रात का कै सुनकने ब्यावन रात का जन धरवाना चाहिए क्या है कसर से फूल संग का सेठानी, तुम यूं सोचती हो कि मेरे देवर को ब्याह शादी के बारे में मैं कुछ कहती नहीं।